हेलो किड्स, माय सेल्फ सत्वती सक्सेना, क्लास UKG, सब्जेक्ट हिंदी, सर ब्रह्मदास सरस्वती विद्या मंदिर, बिलासपुर रामपुर। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ई की मात्रा की वर्कशीट। यह है, आप देख रहे हैं, छोटी ई की मात्रा है, दो अक्षर वाले शब्द हैं। यह है छोट, पहले ई की मात्रा लगी है, अब दा है, फिर है प्लस दा प्लस ना, तो क्या बन गया, दा ई ना दिन। आप इधर राइट कर लिखेंगे दाइना दिन। अभी ई की मात्रा प्लस मा प्लस ला, तो क्या बन गया, मा ई ला मिल। अब ई की मात्रा प्लस बा प्लस ला, तो बा ई ला बिल। ई की मात्रा प्लस गा प्लस ना, का ई ना गिन। अब यह है ई की मात्रा प्लस फा प्लस रा, फा ई रा फिर। ई की मात्रा प्लस ला प्लस खा, तो ये हो गया लाई खा लिख। अब ये बोल बोल कर आप लिखेंगे दा ई ना दिन, मा ई ला मिल, बा ई ला बिल, गा ई ना गिन, फा ई रा फिर, ला ई खा लिख। ऐसे ही आप बोल बोल के लिखेंगे। इसी तरह से मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है, छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगाई जाती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन से बाद में लगाई जाती है। तो हम जो व्यंजन लिखेंगे उससे पहले मात्रा लगाएंगे। जैसे हमने दिन लिखा है तो दिन पे छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, दाहिना दिन, और मिल लिख रहे हैं तो माँ पे छोटी की मात्रा पहले लगाएंगे, बिल लिखा है तो हम पहले लगाएंगे बा ईला बिल, गा ईना गिन, फा ईरा फिर, ला ई खा लिख। इसी तरह से हम व्यंजन से पहले लगाएंगे। और अगर हमें लिखना होगा रवि, तो बा पे मात्रा लगाएंगे तो रा के बाद में बा ई रवि। इसी तरह से हम मात्रा लगाएंगे। अब मैं आपको अगली वर्कशीट दिखाती हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखें। अब यह है ई की मात्रा का ज्ञान, चित्र देखकर ई की मात्रा लगाइए। अब यह है, ये आप किसकी चित्र देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप हिरन। तो हिरन में हा राना हिरन लिखा है, तो आप इसके पहले से मात्रा लगाएंगे। हिरन हा पे ई की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा हिरन। और यह डा आ, अब आप का पे लगाएंगे तो बन जाएगा डाकिया। ये डाके देख रहे हैं आप, ये डाकिया। और ये बारिश पड़ रही है, आप बादल देख रहे हैं, बारिश पड़ रही है, तो बा आ राई सा बारिश। और इस सा पे मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा सितार। गा पे मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा गिलास। का पे मात्रा लगाएंगे किताब। का पे मात्रा, इधर किसान देख रहे हैं, किसान हल्ली है, तो इस पे का पे मात्रा लगाएंगे तो का ईसाना किसान। अब ये चिड़िया देख रहे हैं तो चा पे भी मात्रा लगेगी, एड़ा पे भी, दोनों पे मात्रा लगेंगी तो बन जाएगा चिड़िया। अब ये तकिया आप लोग लगाते हैं सोते हैं, तो ये बनाएंगे ता। और का पे मात्रा लगाई की, क्योंकि की आवाज़ में आ रही है, ता का ता कि या तक किया। जो शब्द हमें ई की मात्रा में बोला जाता है उसी पे मात्रा लगाई जाती है। जैसे कि सान है तो का पे ई की मात्रा की आ रही है तो की पे लगाएं कि सान। अब चिड़िया है तो दोनों चिड़ी, दोनों पे मात्रा आ रही है तो चिड़िया। इसी तरह से सारे अक्षरों पे हम मात्रा लगाएंगे। हम मात्रा लगाकर अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। और मैं आज आपको आगे और दूसरी का सीट दिखाऊंगी, आप इन सीटों को अच्छे से कर लेना। ये हाँ, इस पे सब पे ईसा बाद में ने ई की मात्रा करा रही हूँ। अब फिर मैं आपको बड़ी की मात्रा सिखाऊंगी। ये छोटी की मात्रा के सारे शब्द हैं, इसमें जो चित्र देख देख कर आपको उसी की चित्र देख के मात्रा लगानी है। डाक या डाक लाता है, बारिश पे बारिश होती है। अब मैं आगे आपको दूसरी वर्कशीट दे रही हूँ, अब उसको देखें आप। अभी आप देख रहे हैं ये है चिड़िया, तो चिड़िया है तो का इस पे मात्रा लगेगी, चा पे भी लगेगी, एड़ा पे भी लगेगी, ची अड़ी या, क्योंकि दोनों पे ई की मात्रा आ रही है, ची अड़ी या चिड़िया। अब किताब है तो का की ता अब किताब। अब ये देख रहे हैं आप, ये है सितार, सी ता आ रा सितार। अब यह है हिरण, तो हा ई राड़ा हिरण। अब ये बारिश है तो बा आ री सा बारिश। अब ये तकिया है तो ता की या, जैसे आप अभी पहले पढ़ चुके हैं उसी तरह से ये वैसे वर्ड ये भी है, इन पे भी मात्रा लगानी है आप, क्योंकि इसी तरह से वो जो वर्ड उधर दिए हैं उन्हीं उससे मिलते जुलते ये शब्द भी है ऐसे ही। तो चिड़िया, किताब,
सितार, हिरण, बारिश, तकिया। इसी तरह इन पे जैसे तकिया है तो का पे मात्रा लगेगी, बारिश है तो रा पे मात्रा लगेगी, हिरण लिखना है तो हा पे लगेगी, सितार लिखना है तो सा पे लगेगी, किताब लिखना है का पे लगेगी, हमें चिड़िया लिखना है तो दोनों पे लगेगी। अब इसी तरह से हमें अगर पहिया लिखना है तो हा पे लगाई जाएगी। जो शब्द ई की मात्रा में हम बोले जाते हैं हमें उसी पे मात्रा लगानी पड़ती है, उसी पे मात्रा हम लगाते हैं। इसी तरह जैसे गिरगट है तो गि रा गिर, गाई टा गिट, तो गिरगिट दोनों पे लगेगी। अब हम इसी तरह से आपको आगे और वर्कशीट दूसरी दे रहे हैं। अब ये है आपको इसमें भी चित्र को पहचान कर ई की मात्रा लगानी है। ये आप देख रहे हैं ये धनिया है तो ना पे मात्रा लग रही धनिया। अब यह आपको इमारत दिख रही है, आपको लिखना है ई, छोटी ई लिखना है, इमारत। अब ये आपको, ये आप देख रहे हैं किसान, इस किसान के हाथ में डंडा है तो कापे की मात्रा लगा देंगे, कि साना किसान। अब ये आप देख रहे हैं विमान है तो बापे की मात्रा लगा देंगे, विमान। अब यह गिरगिट है तो गा इरा गिर और गा इटा गिट, तो ये गा पे भी मात्रा, इधर गा पे भी लगेगी, उधर गा पे भी, दोनों गा पे मात्रा लगेंगी, तो गी रा गिर हो गया, गा इटा गिट हो गया, गिर गिट, तो दोनों गा इरा गिर और गा इटा गिट, तो दो मात्रा इस पे लगेंगी। इसी तरह आप अपनी मात्रा कंप्लीट करेंगे। इस पे हम ई लगाएंगे, धनिया पे लगा है ई बनाएंगे, इमारत है ये छोटी ई लिखेंगे, कापे की मात्रा किसान बनाएंगे, बापे की मात्रा विमान, गा इरा गिर गा इटा गिट, दोनों पे मात्रा लगाएंगे। इसी तरह पे कंप्लीट करेंगे, हम अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं आगे आपको दूसरी वर्कशीट दे रही हूँ, आप उसको अच्छे से देखना और उसको भी आप कंप्लीट करना। इसको पहले करेंगे, अब आपको मैचिंग दूंगी, आप मैचिंग मिलान करना है, आपको आप मिलान करना है उसमें। यह आपका टी का टिकट है, ये आपका टिकट है तो टिकट में टिकट को मिलाएंगे, ये आपका टिकट देख रहे हैं टिकट है। और ये पहली है चिड़िया, तो आपको चिड़िया में चिड़िया शब्द से मिलान करना है। अभी आप बारिश देख रहे हैं तो बारिश, ये नीचे है बारिश, तो बारिश में बारिश का मिलान करना है। अभी आपकी तकिया, तो तकिया का तकिया में मिलान करेंगे। ये आपका है गिलास, तो गिलास आप अभी पढ़ चुके हैं, तो गिलास में गिलास का मिलान करेंगे। ये चिड़िया में हम चिड़िया का मिलान करेंगे, ची हम पढ़ के देखें चिड़िया, चिड़िया का चिड़िया से करेंगे, और टी काटा टिकट, टिकट का टिकट से मिलान करेंगे। अब ये बादल देख रहे हैं, बादल बारिश पड़ रही है तो बादल का, वो बारिश का, बारिश की बूंदा छोटी छोटी पड़ रही हैं, ये बारिश का बारिश से मिलान करेंगे, और तकिया का तकिया से मिलान करेंगे, गिलास का गिलास से मिलान करेंगे। इसी तरह इनके चित्र के, चित्र और अक्षरों शब्दों से दोनों का मिलान करेंगे और मिलान करके कंप्लीट करेंगे। ये आपके मिलान के वाली कंप्लीट सीट हो गई, इसको मिलान करके अच्छे से देख के अपने पढ़ पढ़ के मिलान करेंगे और मिलान करके सुंदर सी वर्कशीट तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको आगे दूसरी वर्कशीट दूंगी, आप उसको देखना, उसको वो अलग तरह से दूंगी। ये है पहेली पूरी कीजिए, आपको पहेली, ये आप देख रहे हैं ये किसका चित्र है, साइकिल का, तो सा ई सा आ ई और ला लिखा है, तो क्या नहीं है इसमें, इसको आपने बनाना है का ई ला की बनानी है, का और छोटी की मात्रा लगाएंगे का पे, तो की बन जाएगा सा ई किल। अब ये चित्र देख रहे हैं ये किसका चित्र है, डाकिया का, तो डा और या है तो आपको यहाँ पर भी की लिखनी है, जैसे यहाँ साइकिल में की लिखा था तो यहाँ पर भी की लिखना, तो बन जाएगा डाकिया। अभी आप देख रहे हैं ये पहिया है, साइकिल में पहिया होता है, गाड़ी में पहिया होता है, ये सब वाहन में पहिए होते हैं, तो इसमें पा बनाएंगे और हा बनाएंगे, पा तो लिखा है हा बनाएंगे, हा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे ई, या है तो पहिया हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं नारियल, नारियल खाते हैं आप, तो यहाँ ना आ रा बनाएंगे, रा पे छोटी की मात्रा बनाएंगे, और या और ला लिखा है तो बन जाएगा नारियल। अब यह तकिया, तो यहाँ ता तो लिखा है, अब का बनाएंगे, का पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, की बनाएंगे तकिया। अब यह टिकट, तो टा बनाएंगे और टा पे छोटी की मात्रा लगाएंगे, और काटा हो गया टा इटी, काटा टिकट बन गया। इसी तरह से
अपने अक्षर भी लिखेंगे मात्रा लगा के, साइकिल कहाँ पे, इधर साइकिल में की बनाएंगे, डाकिया में भी की बनाएंगे, पहिया में ही बनाएंगे, नारियल में री बनाएंगे, तकिया में की बनाएंगे, इसी तरह वर्क कंप्लीट करेंगे। अब मैं आगे आपको दूसरी वर्कशीट दे रही हूँ, यह आपको चित्र को पहचान कर सही शब्द पर गोला लगाएं। ये चित्र आप किसका देख रहे हैं, ये देख रहे हैं नारियल का चित्र है। तो अभी इसमें नारियल तीन जगह लिखे हैं, मगर सारे नारियल ना आ री या ला, ये फर्स्ट जो है ना आ रियल, ये नारियल पहला वाला सही है, इस पर गोला लगाएंगे नारियल, ये दोनों गलत हैं। अब यह है विमान, तो विमान जो पहला है बा माना बमान, दूसरा वाला है बी मान, ये सही है दूसरा वाला, इस पर गोला लगाएंगे। अब यह है बी मान, बड़ी की मात्रा लगा दी है, ये गलत है। अब यह है चिड़िया, तो चा पे चिड़िया पहला वाला सही है, चिड़ी चिड़िया जो अभी पढ़ चुके हैं, और ये चिड़िया है, ये चिड़िया है, ये गलत है। और तकिया है, पहला वाला गलत है तकिया, दूसरा वाला भी गलत है, तीसरा तकिता का या आ तकिया, तीसरा वाला तकिया सही है। ये सिंह है, सिंह लास्ट वाला लगाएंगे। अब ये आपका है, अब वर्कशीट आपकी ये है, चित्र पहचान कर उनके नाम लिखिए। अब ये चित्र है आपका निब है, तो नाइबा निब लिखेंगी, यह है पाइना पिन, अब यह है हाइराणा हिरन, अब यहाँ लिखेंगे साइकिल, अब ये रंगीन शब्दों पर ई की मात्रा लगाएंगे। अब यह दाइना दिन बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा दीवान, यह बन जाएगा खट्टिया, यह बन जाएगा कविता, इधर बन जाएगा रवि, इधर बन जाएगा सितार, इधर बन जाएगा छाबाई छबी, ये शिकार, ये अधिकार। अब ये जो खाली हमारे जी ये दिए हैं, इन पर आप भरेंगे शब्द, रवि का रवि गाना किसका, रवि का गाना कितना बढ़िया लिखेंगे इसमें। अब ये निखिल का मित्र है, किसका मित्र है, रवि का, निखिल का मित्र रवि है, और ये लिखेंगे बिमल लाया, बिमल क्या लाया, सितार लाया, अब मेहर का लाया गिटार लाया। अब इसमें से इसमें छाट छाट के लिखेंगे, कमल गया खिल गया, कमल खिल गया, कमल का फूल होता है, नितिन विमिन विमर किधर गया, अब विधि का मन खिला। अब इसी तरह से आप अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके देखेंगे, ये सारी आपकी वर्कशीटें दे दी हैं मैंने आपको, इन सब में अपने और बोल बोल के लिखेंगे, सब तैयार करेंगे, आपको एक ही मात्रा का अच्छे से ज्ञान होगा। सारी अब सारे शब्द हमने सारी एक ही मात्रा की वर्कशीटें आपको दी हैं, आप अच्छे से इसको कंप्लीट कर लेंगे, आपको सारी एक ही मात्रा लिखना पढ़ना सब आ जाएंगी। इसी तरह अपनी सारी वर्कशीटें अपनी मम्मी की सहायता से सारी वर्कशीटें तैयार करना और करके दिखाना। थैंक यू सो मच।